नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई लोकल ट्रेन की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। दो डोज वाले नियम से यात्री परेशान हो रहे हैं, वहीं कई ढेर सारे ऐसे यात्री हैं जो नाराज हो गए हैं टिकट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बिना शर्तों के लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं दोस्तों, टिकट न मिलने की वजह से रोजाना टिकट काउंटर पर यात्रियों और कर्मचारियों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रहे हैं। ऐसे आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको दो डोज लेने के बावजूद भी टिकट नहीं मिल रहा होगा। वहीं दोस्तों, आम यात्रियों का कहना है कि दो डोज वाले को पहले की तरह टिकट देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, लोकल ट्रेन में यात्रा के नियम को नहीं बदलते हैं, तो बिना शर्तों के बिना नियम के लोकल ट्रेन में यात्रा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ढेर सारे आम जनता है जिनको लोकल ट्रेन में यात्रा न करने की वजह से जॉब चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दोस्तों, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अगर लोकल ट्रेन में भीड़ नहीं पाई गई तो बहुत ही जल्द एक डोज वाले को भी लोकल ट्रेन में अनुमति मिलेगी। अब खबर आ रही है कि महीने के अंत में एक डोज वाले को भी लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों, आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। लोकल ट्रेन को लेकर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुंबई लोकल ट्रेन और महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।